ओके सो गाइस, अगर आप भी सोच रहे हो एक सस्ता और अच्छा और टिकाऊ एक हेडफोन लेने के लिए तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे हेडफोन के बारे में जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूं। मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है, इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो गाइस, मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूं। मैं जिस हेडफोन के बारे में बात कर रहा हूं, वो है बोट कंपनी का। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हेडफोन है। चलिए मैं आपको एक क्विक अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ और बात करते हैं इस बोट कंपनी के हेडफोन के फीचर्स के बारे में और फैसिलिटी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज, मैं जिस हेडफोन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये रहा वो हेडफोन, बोट कंपनी का है। एंड गाइज, हमें बैक साइड में यहाँ पे बोट कंपनी का सिंबल देखने को मिल जाता है और मैंने इसे ब्लैक कलर में अमेजोन से बुक किया हुआ था, तो मुझे ब्लैक कलर में रिसीव हुआ है। गाइज, बात करें इस हेडफोन के फीचर्स के बारे में, तो इस हेडफोन को हम ब्लूटूथ की मदद से भी चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और ऑक्स के मदद से भी हैंडल कर सकते हैं। इस हेडफोन में ब्लूटूथ V5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 40mm डायनेमिक ड्राइव देखने को मिल जाता है। एंड गाइज, बात करें इस हेडफोन के बैकअप के बारे में, तो अगर इस हेडफोन को आप एक बार चार्ज कर देते हैं तो 12 घंटे का ये बैकअप आपको आराम से दे देगा। एंड गाइस, इसमें जो साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी वो काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है HD साउंड, जो कि साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए गाइस, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस बोट के हेडफोन में। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। एक बार मैंने पहले ही ओपन किया हुआ था, बट मैं आप फिर से यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइज, यहाँ पे मैं इसे रखता हूँ साइड में और ये रहा हमारा बोट का हेडफोन। यहाँ पे मैं इसे बाहर की तरफ निकालता हूँ, तो गाइज़ ये रहा हमारा बोट का हेडफोन। देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कुछ एक्सेसरीज देखने को मिल जाते हैं जो कि इसी बोट कंपनी के हेडफोन का है। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो गाइज, यहाँ पे हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा जो कि USB केबल है। यहाँ पे टाइप सी का सपोर्ट नहीं दिया गया, इसे रखते हैं साइड में। देखते हैं यहाँ पे हमें और कुछ क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बोट कंपनी का यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है कि इस हेडफोन को हमें कैसे हैंडल करना है, और यहाँ पे हमें ऑक्स केबल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं अपने हेडफोन के बारे में, तो गाइज़ ये रहा हमारा हेडफोन, काफ़ी ब्लैक कलर में आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक है। एंड मैं इसे यहाँ से भी निकाल लेता हूँ। ओके सो गाइज, मैंने बोट कंपनी के हेडफोन को निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पंज को यूज़ किया गया है इस हेडफोन में। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा स्पंज को यूज़ किया गया है। एंड गाइज, यहाँ पे हमें कॉलर में देखने को मिलेगा गोल्डन कलर से मेंशन किया हुआ है लेफ्ट, एंड यहाँ पे भी गोल्डन कलर से मेंशन किया गया है राइट। एंड गाइज, यहाँ पे फ्रंट में हमें बोट का सिंबल देखने को मिल जाता है जो कि आपके हेडफोन को एक प्रीमियम लुक देने वाला है। गाइज, बात करें इस हेडफोन के फीचर के बारे में, तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर हमें शामिल देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज, अगर मान लीजिए आप इस हेडफोन में गाना सुन रहे हैं, यहाँ से इस प्लस वाले आइकन से आप वॉल्यूम को बढ़ा सकेंगे और इस माइनस वाले सिंबल से आप वॉल्यूम को घटा सकेंगे। एंड बीच का जो बटन दिया गया है उसे आप बीच बीच में, अगर आपको गाना बंद करना पड़ा किसी ज़रूरी काम से, तो यहाँ से उस गाने को भी आप बंद कर सकते हैं। एंड गाइज, इस हेडफोन में यहाँ पे दिया गया है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ से हम अपने चार्ज कर सकते हैं हेडफोन को। और यहाँ से गाइज, अगर आपको ऑक्स के मदद से किसी और, मतलब ब्लूटूथ स्पीकर में या किसी और चीज़ में आपको गाना बजाना है, तो आप यहाँ से आसानी से बजा सकते हैं। और यहीं पे गाइज, इस हेडफोन में हम इसे अपने सिर के हिसाब से बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है फीचर इस हेडफोन का। एंड गाइज, आप लोग देख सकते हैं कितना प्रीमियम लुक है यार। और यहाँ पे मुझे सबसे बात यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट राइट मेंशन है, वो गोल्डन कलर में, जो कि इसको चार चांद लगा दे रहा है इस हेडफोन को। तो चलिए गाइज, अब टाइमिंग आ चुका है, इसे हम टेस्ट करते हैं और बताता हूँ कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। ओके सो गाइज, इस हेडफोन में यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में आप लोग को दिखा दूँ, प्लस और माइनस के बीच में एक बटन दिया गया है। जैसे आप इस बटन को क्लिक करके रखे रहते हैं तो आपका जो वो हेडफोन है वो ऑन हो जाएगा। अब गाइज, यहाँ पे मैंने एक मोबाइल लेके आया है, चलिए मैं इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ से मैं इसे मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ। गाइज, यहाँ पे जो मेरा हेडफोन है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए मैं आपको साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी साउंड क्वालिटी है। तो मैं यूट्यूब पे चले जाता हूँ और यहाँ पे कोई एक सॉन्ग में सर्च कर लेता हूँ। NCS का साउंड मैं बजाऊँगा क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट नहीं आएगा, नहीं तो मुझे कॉपीराइट आ सकता है।
सो गाइज यहाँ पे मैंने एंशियंस का साउंड बजा दिया है। अब मैं आपको अपने माइक को लगा के दिखाता हूँ हेडफोन में कि कितना अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। मुझे नहीं पता कि आपको साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे साफ साफ साउंड सुनाई दे रहा है। और गाइस इस हेडफोन की मुझे एक खास बात ये लगी कि अगर आप इस हेडफोन को एक बार पहन लेते हो तो ये हेडफोन में नॉइज़ कैंसलेशन है, यानी आपको बाहर की साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। सो गाइस काफ़ी अच्छा हेडफोन है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो जाके जल्दी जल्दी बाय करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस हेडफोन का लिंक दे दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और हाँ, अगर आप इस हेडफोन को खरीदना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस हेडफोन का लिंक दे दिया है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अमेज़ॉन पे और वहाँ से इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।